الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سست نہ ہو غم نہ کرو مومن بنو اور میدان جیت لو دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہم نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر پوری کر دی اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا صدق اللہ مولا العظیم صدر گرامی قدر معزز علماء مہمانان گرامی بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں آج کا یہ پروگرام انتہائی مقدس اہم اور تاریخی ایک مناسبت سے ہے میں انشاءاللہ آپ کے چہرے دیکھ کر آپ کی نبضوں پہ آنکھ رکھ کر اس کے مطابق مختصر ہی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا آپ جانتے ہیں آج ستمبر کی 7 تاریخ 6 ستمبر اور 7 ستمبر وطن عزیز کی تاریخ میں بڑے اہمیت کے حامل ہیں 6 ستمبر 1963 کو ہمارے مکار دشمن نے ہم پہ حملہ کیا تھا اور 7 ستمبر فضائیہ کے حوالے سے بھی اور خصوصاً ہماری ایمانی سرحدوں کی حفاظت کے لیے 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی پاکستان میں قادیانیوں اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا میں دونوں مناسبتوں سے تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا ابھی وہ احباب یہاں تشریف
फरमा है, जिन्होंने 1965 के वो मनाजर कुछ हद तक आंखों से भी देखे। मुझे भी याद है सब जरा जरा, जब 6 सितंबर को दुश्मन ने हमला किया, उस वक्त के हमारे सदर जनरल अय्यूब खान ने जो तकरीर की थी, उसमें तौहीद का उनसर था और वही जवानों को उस तरफ ले गई जिसकी शायद तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अल्फाज मुझे याद है, उसने कहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अजीज हम वतनों, हमारे मक्कार दुश्मन ने हमारी पाक सरहदों पर हमला कर दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, अल्लाह अकबर की गूंजती हुई आवाज में कुफार की तोपों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। जिन्हें सुनिया मेरी हमायत भी कर दो, गल ये फिर क्या हुआ, हमारे पास, हमारा मुल्क हिंदुस्तान से बहुत छोटा है, उसी से निकला पड़ा, असलहा भी कम, फौज भी कम, टैंक भी बहुत थोड़े थे और टैंक शिकन तोपे भी मौजूद नहीं थी चंद एक के अलावा, वो भी फिजाई हदूद में थी। हमारे जवानों ने वो जो जज्बा दिखाया, उस वक्त बीबी ने भी एक जज्बा पढ़ा था, उसमें भी तौहीद थी। मेरा ढोल सिपाही आ तेनों रब लिया रखा, जिन्हें रावा तो जावे, जिन्हें रावा तो आवे, उन्हें रावा की मिट्टी चुमण मेरिया अखा वल आदि आदि सब हाफल गोरी आदि तक। नौजवान फौजियों ने सीनों पे बम बांधे और इंडिया के टैंकों के आगे खड़े होकर टैंकों के रुख मोड़े। ऐलान हुआ था भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से कि कल नाश्ता लाहौर जाके करेंगे, ऐलान किया बाकायदा, इतनी ठिकाई के साथ, इस तरह रुख मोड़ा अल्लाह के फजल और करम के साथ। थोड़ा सा खाका मैंने तो दूसरे से भी जाना है, आप में से साहिब मालूमात जानते हैं कि हमारी पाक आर्मी ने हिंदुस्तान के 1617 मुरब्बा मील पर कब्जा कर लिया था, 1617 किलोमीटर पर, 1617। और दूसरे सेक्टर पर इंडियन आर्मी ने हमारी हदूद में 447 मुरब्बा मील हथियाए। टैंक हमारे पास थोड़े थे, हिंदुस्तान के 516 टैंक तबाह किए, पाकिस्तान के 35 टैंक काम आए, और जो 7 तारीख थी नमाज फजर की आजान से कुछ ही देर पहले, इंडिया के 5 तैयारों ने हमारे पड़ोस में सरगोधे में आकर अटैक किया, 6 तैयारे आए, जिनमें 2 अमजद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने उड़ा दिए, मार गए, 2 टैंक शिकन तोपों की जद में आए, 2 दुम दबाकर भाग गए, 6 थे ना। ठीक 1 घंटे के बाद फिर 6 तैयारों से इंडियन फिजाइया ने दोबारा अटैक किया, और मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूं
एक तारीख रकम की उस मौके पे अभी थोड़ा अरसा हुआ है उसे हमसे जुदा हुए कराची में जाकर MM आलम उसने 30 सेकंड के अंदर 30 सेकंड के अंदर इंडिया के 5 तैयारे कराकर दुनिया का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 30 सेकंड में 5 तैयारे कराए और फिर मर्दानाबाद तैयारा लेकर हिंदुस्तान की हदूद में जाकर रनवे पर अटैक करके हिंदुस्तान के पीसीओ तैयारे तबाह बर्बाद कर दिया। और अल्लाह की रहमत और तौफीक से खैरियत से वापस आया, सर्विस मुकम्मल की, रिटायर हुआ और अभी गुज़श्ता 2-3 साल हुए वो अल्लाह को प्यारा हुआ, अल्लाह उसकी कब्र पे रहमत फरमाए। ये मैंने थोड़ा सा अदबी खाका पेश किया, थोड़े होने के बावजूद अल्लाह ने करम फरमाया और बदले अजीज को कामयाबी से हम किनार फरमाया। कौमें अपने माजी को भुलाया नहीं करती, कामयाबियों पे आइंदा तामीर और तरक्की उस्तवार करती है, नाकामियों को देखकर आइंदा के लिए इस्लाह करती है। ये कौमों का उसूल है और कौमें असलाफ के लिए दुआएं करती है। असलाफ समझ के जो हमारे गुजर गए, अखलाफ आने वाले, असलाफ के लिए दुआएं अखलाफ की इस्लाह की ख्वाहिश करते हैं। दोनों सबक हमें कुरान ने दिए, रब्बना फिर लना वल इख्वानल्लज़ीन सबकूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीन आमनू रब्बना इन्नक रऊफुर रहीम। और दूसरा वअस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, अखलाफ आने वाली नस्लों की इस्लाह की ख्वाहिश, बाशऊर और गयूर मुसलमानों, कौन सा टुकड़ा है रूए जमीन पे जहां मेरे असलाफ के अजानों की आवाज नहीं गूंजी, यूरोप की वादियों में अजाने दी, अफ्रीका के सहराओं में गए, दरिंदों ने ना सिर्फ रखवाली की बल्कि मुहम्मदी फौजियों को सवारी मुहैया, दरियाए नील और फरात ने मुहम्मदी फौज के कदमों को चूमा और तामील अहकाम में आफियत जारी। हजरात अगरचे 1971 में फिर हमें शर्मिंदगी उठाना, और उस खलासे में मैं जाना नहीं चाहता, उस वक्त क्या था, तकरीर क्या थी, नगमा क्या था, जहां तकरीर क्या थी और नगमा क्या था, ये दोनों हफ्ते का तर्जरा लेट है, बहुत लोगों को पता होगा, बस किसी में तबसरा खत्म। हजरात 6 सितंबर हमारी वतन अजीज की तारीख में यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से है, ठीक है, यौम दिफाए पाकिस्तान, और पाकिस्तान का दिफा भी तब हो सकता है जब जुग्राफियाई सरहदों के साथ ईमान की सरहदों की भी हिफाजत की जाए। इसलिए कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर लिया, उसका तहफ्फुज़ होगा तो वतन का तहफ्फुज़ होगा। अब मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी और लाहौरी दाता में एक ही है दोनों, इसलिए मैं उसमें ज्यादा तवील और तफसील में नहीं जाऊंगा। इन्होंने पहले दिन से ना वतन अजीज को माना और ना हमारी ईमान की सरहदों को तस्लीम किया।
मिर्जई आज भी अखंड भारत का नारा लगाते हैं। हजरात, मजलिसे अमल बनी पाकिस्तान में तमाम जमातों के उलमा ने सर जोड़ा। यहां मैं बड़ा बड़ा कहूंगा, जब भी कोई कामयाबी मिली